दोस्तों, ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर खिलाड़ी ने बल्ले से धमाल मचा दिया है। उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में 26 रन ठोक दिए हैं। दोस्तों, इस धाकड़ खिलाड़ी ने पारी की शुरुआत लगातार दो गेंदों तक 2 छक्के जड़कर की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में युवा बल्लेबाज लगातार धमाल मचा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही शानदार कमाल राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर ने दिखाया है, जो विरोधी टीम के कप्तान को ही निशाना बना दिया। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुरुवार को आईपीएल 2023 के 56वें मैच में ये सब हुआ। दोस्तों, प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। कोलकाता टीम के कुछ खास नहीं कर सके और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 149 रन बनाए। टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे वेंकटेश अय्यर ने 42 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्के लगाकर 57 रनों का योगदान दिया। स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने कमाल का प्रदर्शन किया और मैच 25 रन देकर 4 विकेट लिए। दोस्तों, केकेआर के कप्तान नीतीश राणा खुद ही पहला ओवर करने के लिए आए। शायद उन्होंने ये बड़ी गलती कर दी थी। युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेज दिया, उसके बाद अगली गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में हवाई सर करा दी। अगली 2 गेंदों पर यशस्वी ने लगातार 2 चौके जड़े। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, फिर आखिरी गेंद को भी नहीं बख्शा, ऑफ साइड पर इस गेंद को खेलते हुए चौके के लिए भेजा। राणा कुछ नहीं समझ पाए और उन्होंने अपने पहले ओवर में 26 रन लुटा दिए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है। जिस तरह का वह प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे साफ हो सकता है कि जल्दी टीम इंडिया में खेलते दिख सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के लिए ओपनिंग में शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में यशस्वी जायसवाल को उन्हें खतरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.